पहला क्वेश्चन हमारे एक कि एक व्यापारी के पांच जहाज है उसके पास, ठीक, पांचों व्यापार के लिए गए, कोई लंदन गया, कोई है कहीं गया, सिंगापुर गया, पांच जहाज उसके पास, इंडिया से उसने पांच जहाज भेजे, ठीक है। किसी जहाज के वापस लौटने की प्रायिकता मान लेते हैं कि वो एक बटे पांच है या चार बटे पांच, और वापस ना लौटने की प्रायिकता एक बटे पांच, दोनों का योग एक होना चाहिए, चार बटे पांच और एक बटे पांच, ठीक, समझ पाए कि नहीं। मतलब खतरा भी है लौटने में, कहीं डूब गया या कुछ हो गया तो उसकी प्रायिकता एक बटे पांच, और वापस श्योर लौटने वापस मतलब आ जाएगा इस बात की प्रायिकता चार बटे पांच। तो उस व्यापारी के कम से कम चार जहाजों के सुरक्षित वापस लौटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम चार का मतलब चार भी, कम से कम चार या पांचों, कम से कम चार का पहले ही मतलब समझ लो, कम से कम चार का मतलब हुआ चार या उससे अधिक, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए अधिकतम पांच जहाज या अधिकतम तीन जहाज मान, तो अधिकतम तीन का मतलब हुआ एक भी लौट सकता है, दो भी और तीन भी और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, अधिकतम तीन का मतलब तीन से अधिक नहीं, कम से कम का मतलब आपने समझा, अधिकतम का मतलब समझा, ठीक। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, तो आप देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन, एक व्यापारी के छह जहाज, आज की व्यापार में छह कर दिया, छह जहाज व्यापार के लिए गए हैं, व्यापार के लिए गए हैं, गए हैं, ठीक है। किसी जहाज के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता चार बटे पांच और न लौटने की प्रायिकता एक बटे पांच, ठीक, सुरक्षित लौटा है चार बटे पांच, सुरक्षित ना लौटने की प्रायिकता एक बटे पांच, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, व्यापारी के कम से कम चार जहाज के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम चार जहाजों के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कम से कम चार का मतलब है चार भी लौट सकते हैं, पांच भी लौट सकते हैं और छह भी लौट सकते हैं, क्योंकि उसके छह जहाज गए। सॉल्यूशन, कम से कम चार जहाज के सुरक्षित लौटने से तात्पर्य है
तात्पर्य है कि चार या पांच या छह, चार पांच या छह एक जहाज लौट आए। समझे, ये मतलब है। तो अब चार सुरक्षित लौटे, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ध्यान दीजिए, पी ऑफ ई वन, चार सुरक्षित लौटे तो क्या होगा? सिक्स सी फोर। ध्यान दीजिए, छह में से कितने? चार। और पी की पावर कितना? फोर। और क्यू की पावर कितना था? एक, एन माइनस। ठीक है, ये चार को सुरक्षित लौटाना है। ठीक है, तो चार, जब यहां आपने यहां चार की बात की तो सुरक्षित लौटने का पावर चार होगा। ठीक, और जो नहीं लौटेंगे उनकी घात दो, दो नहीं लौटेंगे ना, तो क्यू की पावर टू। उससे ये वहां जो एन माइनस टू है भाई, यहां पर ये एन सी जीरो से शुरू किया था। ठीक है, तो एन सी वन और एन सी टू लिखते तो सिक्स सी टू और सिक्स सी फोर बराबर होता। सिक्स सी टू लिखो चाहे सिक्स सी फोर लिखो, यहाँ सिक्स सी टू लिखते तो यहाँ होता p की पावर सिक्स माइनस टू फोर होता, और ये आगे की संख्या तो जाके ना रहेगी, चाहे उसको सिक्स पी टू लिखो चाहे सिक्स सी फोर लिखो, क्योंकि एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। कोई यहां से सीधा सीधा लिख लिया चार, तो चार पावर यहां कर दी। फिर पांच, ये इतना हो गया, इसका मान कितना आएगा? सिक्स सी फोर सिक्स सी टू के बराबर, छह बड़े पांच डिवाइडेड बाई वन इंटू टू। समझता है? पी, पी का मतलब चार बटे पांच, सुरक्षित लौटने की प्रक्रिया की घात चार। ठीक, और एक बटे पांच घात कितना? दो। समझता है? ठीक है, ये तो यहां से कितना हो गया? ये तीन पंद्रह, नीचे हुआ पांच की घात छह, और ऊपर हुआ चार की घात चार। ठीक, तो आप चाहे ऐसा करें, पांच की घात छह कितना हुआ? पांच की घात छह 125 गुणे 125, ठीक है, 15625। ऊपर होगा 15 गुणे 4 की घात 4, ठीक, 1600 256। ठीक है, 256। चाहे तो आप 5 से, चलो ऐसे ही गुणा कर दो, 15 छक्का 90 है, 9 15 5 75। ठीक है, अब 75 और 9 84, ठीक, 4 8 15 2 30 और 8 और डिवाइडेड बाय ये। अब P ऑफ E2 निकालो, जब कितने जहाज लौट आए? 5। समझ पाए? P of E2 बराबर 6C5, P की पावर 5, Q की पावर 1 बराबर होगा 6C5 6C1 बराबर 6, ये 6 के बराबर होगा। समझता है? और P का मतलब 4 बटे 5 की घात 5 और 1 बटे 5 की घात 1, तो ये हो गया 6, नीचे हुआ 15625 गुणे ऊपर 4 की घात 5, 4 की घात 5 मतलब 6 × 24। ठीक है, और 2 4 5 20 और 2 22 की 2 आंसर 2 और 4 2 8 2 10 1024। तो ये क्या हो गया? 144 6 2 12 6 और 6 0 डिवाइडेड बाय 15625। फिर कितने? पांचों जहाज वापस लौट, तो P ऑफ E3, तो
तो ये हो गया 6C6 सॉरी 6 जहाज वापस लौट आए सुरक्षित, तो इसका होगा पी की घात 6 और क्यू की घात 0 याद रखिए ठीक। तो ये 6C6 रन हुआ है और 4/5 की घात 6 हो गया और क्यू 1/5 की घात 0 याद रखिए ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये नीचे उतना ही रहेगा 15625 ऊपर 4 की घात 6 ठीक है, 4 की घात 6 कितना आया 4,096। अब ये सभी अपवर्जी घटना है, मतलब 4 सुरक्षित लौट रहे तो तुम ये थोड़े कह सकते हो कि 5 लौट रहा है, ये होगा तो वो नहीं होगी, वो होगा तो ये नहीं होगी। तो ये सभी घटनाएं क्या है, तीनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी है तो जुड़ जाएगा। ये सभी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, अतः P(E1)E2)E3 का मतलब हुआ 4 जहाज लौट आए या 5 लौट आए या 6 लौट आए बराबर होगा P(E1)P(E2)P(E3) याद दीजिए बराबर हो जाएगा ठीक। सबको जोड़ना है, नीचे कितना हो जाएगा 15625 जोड़ो 3840 6144 और 4096 सबको जोड़ो। ये हो गया 3840 धन 6144 धन 4,086 डिवाइडेड बाय 15625 5 से काट दो तो कितना हो गया 5×10 अच्छा 4 40 5×8 40 5×5 अच्छा 5×1 30 और 5×3 15 5×5 अच्छा 1×5 10 2×5 25 2816 डिवाइडेड बाय 3125 ठीक। तो इस तरह से निकालोगे। अगर कभी ये भी हो सकता है, ये कहते हैं कि कम से कम जो है एक जहाज, कम से कम एक पूछा जाता, तो कम से कम एक पूछा जाता तो क्या करते, एक लौटे, दो लौटे, तीन लौटे, चार लौटे, पांच लौटे, छह लौटे, बहुत लंबा हो जाएगा ठीक। तो इसका मतलब है कम से कम एक का मतलब तुमको NC1 से लेकर NC6 तक, तो ऐसा करो इधर बाई और वन है तो NC0 वाला घटा दो तो अपने आप उसका मान आ जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर ये होता, नोट कर लिया, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कम से कम एक जहाज लौटे, ये दूसरा कम से कम एक जहाज सुरक्षित लौटे, ये इसकी प्रायिकता ज्ञात करना ठीक है। तो तुमने यहां ये पढ़ा 1 बराबर क्या है NC0 ठीक है, P की पावर n, Q की पावर 0 NC है 1 P की पावर n minus 1 Q की पावर 1 सो NC1 P की पावर 0 है और n Q की पावर n ये ठीक। तो कम से कम एक जहाज सुरक्षित लौटे ठीक है, का मतलब
उसकी प्रयत्न निकाल लो, एक भी जहाज सुरक्षित ना लौटे, तो एक भी जहाज सुरक्षित ना लौटने की प्रयत्न, ये एनसीएल पी की पावर जीरो क्यू की पावर एन, कोई जहाज सुरक्षित ना लौटे, इसकी प्रयत्न ये, ठीक है। और ये उन सब की प्रयत्न है कि एक लौटे, दो लौटे, तीन लौटे, चार, ठीक। तो इसको उधर ले जाओ तो इसका मान आ जाएगा, समझ पाए। और तुम चाहते इसको उल्टे भी लिख सकते थे, तुम यहां से लिख सकते थे एन सी जीरो पी की पावर जीरो कर सकते थे, क्यू की पावर एन कर सकते थे, तो इसी को फिर घटा, अब वहां पहुंच गया मोटर, ठीक। तो किसी जहाज के सुरक्षित ना लौटने की प्रयत्न ये देखो पी की पावर जीरो, कोई नहीं लौटा, ठीक। ये तो किसी भी जहाज के सुरक्षित ना लौटने की प्रयत्न, लौटने की प्रयत्न कितनी हो जाएगी एनसी, अब चाहो तो एनसी एल लिखो या एनसी जीरो लिखो, अब जीरो ये बताता रहेगा कि कोई नहीं लौटा, तो जीरो लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, एन सी जीरो पी की पावर एन, सॉरी पी की पावर जीरो क्यू की पावर एन, मतलब ये सभी वापस नहीं लौट पाए, देखो क्यू की पावर, ठीक है। एक कम से कम एक जहाज तो एक लौटे, ठीक है, ये बात हो रही थी, ठीक। कम से कम तो तुम यहां निकाल रहे कोई ना लौटे, कोई ना लौटे, तो ये कोई ना लौटे का निकाल लो और उसको एक से घटा दो तो वो आ जाएगा कि कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब एक है, दो लौटे, तीन लौटे, चार, पांच लौटे, छह लौटे, ठीक। तो ये हो गया एन सी जीरो वन पी का मतलब चार बटे पांच की घात जीरो और एक बटे पांच की घात कितना छह, तो ये हो गया एक बटे 15625, ठीक। वो तो उधर एक हुआ सब, ये अब कम से कम एक के लिए वन माइनस एक, तो ये हो जाएगा तो कम से कम एक, किसी पहले ये निकाले कम से कम एक जहाज के सुरक्षित लौटने की प्रयत्न, बराबर हो जाएगा वन माइनस इतना, ध्यान दीजिए, एक ये कोई ना लौटे इसकी प्रयत्न, और इसमें से घटा दिया एक में से तो कोई ना कोई लौटे इसकी प्रयत्न, ठीक। तो ये आ गया 15624 बटे 15624, कम से कम एक जहाज।